गुड मॉर्निंग और जो लोग शाम को क्लास देख रहे हैं गुड इवनिंग चले जी हाँ सर क्या पढ़ा था सर बायनोमियल पढ़ा था तीन टोटल वैल्यूएशन में ऑप्शन प्राइस निकालने का थियोरिटिकल प्राइस सर स्पेशली तो थ्योरिटिकल प्राइस निकालने के तीन मॉडल होते हैं एक था बायनोमियल बाइनोमियल के अंदर तीन होते हैं रिस्क न्यूट्रल वो अप्रोच हो गए एक तो है और सर दूसरा दूसरा हुआ है पुट कॉल पैरिटी जो हमको आज डिस्कस करना है और तीसरा है बी एस एम कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस ब्रेक के बात करेंगे इट मींस सर आज खत्म हो जाएगा क्या मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा देख ले एक बार yes. पर एक क्वेश्चन था जो मैं छुड़वा दिया था क्वेश्चन ये वाला था शायद क्वेश्चन नंबर थर्टी पिछली क्लास में मैं करवाने वाला था पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इसकी वजह से पिछली क्लास में नहीं ब्रेक से पहले ब्रेक से पहले इनकी बात नहीं है पिछली क्लास की बात है हाँ सर पिछली क्लास की बात है तो अभी क्या करना है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्टीन पहले खत्म करेंगे उसके बाद पुटकॉल अपरिटी करेंगे उसके बाद उसका एकाध क्वेश्चन करेंगे उसके बाद बी एस एम करेंगे और बीएसएम के क्वेश्चन ब्रेक के बाद करेंगे टारगेट ये है ठीक है तो अगर मैं कहूं ब्रेक के पहले थोड़ा थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है यस ब्रेक से पहले आपकी क्लास थोड़ी सी हैवी जाएगी जाना ही है कॉन्सेप्ट से तो जाना ही है चलो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आराम से समझा ठीक है सर तो पहले क्वेश्चन नंबर थर्टीन खत्म करिए क्या यस क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या बोल रहा है जरा देखते देखा फॉलोइंग इज टू पीरियड थ्री फॉर ए शेयर ऑफ स्टॉक इन कैप लिमिटेड एस वन वन पीरियड सर एस वन वन पीरियड एक्चुअली ये वन पीरियड होगा ये टू पीरियड होगा मिस प्रिंट हुआ होगा ठीक यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल आप सब लिखा यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल कैलकुलेट द करंट फेयर वैल्यू करंट फेयर वैल्यू का मतलब यहां का वैल्यू और वैसे भी हम यहीं का वैल्यू निकालते हैं ऑफ अ रेगुलर कॉल ऑप्शन ऑफ कैब लिमिटेड विथ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स ट्वेंटी एट सर एक्स का मतलब क्या है मार्क करंट मार्केट प्राइस तो होगा नहीं वो क्योंकि वो तो थर्टी दिया है तो एक्स का मतलब यहां हो जाएगा e. और कितना दिया है ट्वेंटी आर एफ दिया पांच परसेंट पर एनम और ये दिया इफेक्टिव ठीक है यू शुड ऑल्सो इंडिकेट कंपोजिशन ऑफ द इम्प्लाइड रिस्क पोर्टफोलियो एट द वैल्यूशन डेट पोर्टफोलियो रिस्क लेस ये क्या चीज है सर ये मैं आपको समझा दूंगा ये बात का मैटर है ठीक है तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है दिख रहा है वन पीरियड है कि टू पीरियड टू पीरियड यहां कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये छह छह महीने का है कि एक एक साल का ये वन पीरियड गलत है ये वन ईयर है एक्चुअली ठीक है इस हिसाब से ये वन ईयर है तो ये क्या हो जाएगा सिक्स मंथ हो जाएगा अब कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी आपको अब कोई दिक्कत नहीं है सर यहां वन ईयर था वन पीरियड वो गलत है वन पीरियड तो ये होगा ना भाई अब स्टार्ट करें सबसे पहले काम क्या करोगे सबसे पहले बनाओगे बाइनोमियल ट्री सर ये क्वेश्चन में बना आया था कि ये क्वेश्चन में बना आया हुआ अच्छा ऑप्शन किसका निकालना कॉल की पुट रेगुलर कॉल ऑप्शन तो ये भी कंफर्म हो गए हमें बात किसकी करनी है कॉल ऑप्शन ठीक है ये भी कंफर्म अमेरिकन है कि यूरोपियन कुछ नहीं बोला है तो यूरोपियन क्यों टेंशन ले मतलब क्या हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत है नहीं चलो बायनोमेल ट्री बनाइए फटाफट से मेरे पास बना हुआ मैं इसी में शॉल करूंगा ठीक है सर एक प्राइस हो गया थर्टी थर्टी थ्री ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री इसको क्या बोलेंगे नोड वन इसको नोड टू और इसको नोड थ्री ठीक है दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार बाइनोमियल तो किया हुआ है हमारा सर इसके बाद क्या निकालते थे पे ऑफ इसको क्या बोल सकते सर सी यू यू डी सी डी डी पे ऑफ तो निकाल ही सकते हैं 28 से ऊपर होगा तो एक्सरसाइज तो ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री जीरो माइनस ट्वेंटी एट सर ये आ गया एट पॉइंट थ्री जीरो ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन माइनस ट्वेंटी एट सर ये हो गए वन पॉइंट सेवन जीरो और ये जीरो ठीक है सर और एक चीज बचा रहा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी वो भी तो निकालना है चलो उसके लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से अपने बैनों में आप खुद करो ना यार कब तक देखोगे मैं तो होमवर्क ही डिस्कस कर रहा हूं इस बार पहला काम क्या करेंगे पहले तो यू डी वगैरह लिख ले या गिवन करके दिक्कत नहीं होती तो सर स्टेप नंबर वन में हम गिवन लिख देते Given. अब गिवन given में एक तो मुझे चाहिए एक्सरसाइज प्राइस जो कि है ट्वेंटी एट ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं उसके बाद मुझे चाहिए यू तो देखते प्राइस कितना अप हो रहा थर्टी थ्री थर्टी थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय थर्टी एक चाहिए डी प्राइस कितना डाउन हो रहा है ट्वेंटी सेवन बाय थर्टी ट्वेंटी सेवन बाय थर्टी तो थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय थर्टी तो ये वन पॉइंट वन जीरो हो गया और ट्वेंटी सेवन बाय थर्टी पॉइंट नाइन आर आर चेक करो पांच परसेंट दे रखा लेकिन ये इफेक्टिव शब्द लिखा है इफेक्टिव इफेक्टिव आएगा या कंपाउंडेड एनुअली आएगा तो पावर यूज होगा ये हमको पता है ठीक है तो यहां हो जाएगा वन पॉइंट जीरो फाइव पावर छ महीने का सिक्स बाय ट्वेल्व स्क्वायर रूट तो सर ये आ गए वन पॉइंट जीरो टू फोर सेवन एक ये चाहिए था इसके बाद क्या करें सर इसके बाद हो जाएगा स्टेप नंबर टू और उसका नाम रहेगा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ठीक है सर कैसे निकालते हैं कुछ याद है कि नहीं सर याद है पी इज इक्वल टू आर माइनस डी और यू माइनस डी आर कितना है सर आर है वन पॉइंट जीरो टू सेवन डी है पॉइंट नाइन डिवाइडेड वन पॉइंट जीरो टू फोर सेवन वन पॉइंट वन माइनस पॉइंट नाइन एम प्लस में डाल दिया वन पॉइंट जीरो टू फोर सेवन माइनस पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय आर सी Yeah, 6. 6. 6. तो यहां लिख सकते हैं क्या यस जीरो सिक्स टू थ्री फाइव नहीं सर यहां का थोड़ी यहां का निकला भाई इसको भी मैं बढ़ा के देख लेता हूं 1.10 करके 33 थ्री इंटू वन पॉइंट वन आ रहा है ठीक है फिर तो यही वाला प्रोबेबिलिटी निकलेगा 33 थ्री इंटू पॉइंट ये ठीक है ट्वेंटी सेवन इंटू वन पॉइंट वन हाँ अब ठीक है मेरी बात समझ अगर कुछ और निक होता है यहां वन पॉइंट वन जीरो से मल्टीप्लाई कुछ और होता तो फिर यहां का प्रोबेबिलिटी अलग निकलता वो मैं आपको एग्जाम्पल समझा चुका वन माइनस पॉइंट सिक्स टू थ्री फाइव तो सर ये आ गए पॉइंट थ्री सेवन सिक्स फाइव ठीक है तो ये काम हो गया अब क्या निकालना अब कुछ नहीं बचा वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है नोड टू नोड थ्री नोड वन अगला पेज ले लो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो पहले जो बात होगी वो किसकी होगी नोट ए नोट वन सर फॉर्मूला ना भी लिखो तो चल जाएगा चल जाएगा भाई कोई दिक्कत नहीं वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल एट पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट सिक्स टू थ्री फाइव Eight point three into point six two three five plus one point seven into point three seven six one point seven into point three seven six divided by one point zero two four seven. Plus plus MRC divided by तो सर ये आ गया रुपीस फाइव पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है अब किसकी बात करते है? सर इसका एंट्रेंसिक वैल्यू से कंपैरिजन करना ही नहीं है यूरोपियन ऑप्शन वैल्यू ऑफ ऑप्शन फाइव पॉइंट सिक्स सेवन आया है ना तो लिख दीजिए ना वहां लिख देता हूँ फाइव पॉइंट सिक्स सेवन

तो ये आ गया रुपीस वन पॉइंट जीरो थ्री फोर ठीक है अब क्या करना अब नोट वन के लिए निकालना Five point six seven into point six two three five plus one point zero three four point three seven six five divided by one point zero two four seven. 3.83 इसको बाइनोमियल ट्री इसको में शो कर देते 1.034 पॉइंट जीरो थ्री फोर यहां का वैल्यू आ गया 3.8 पॉइंट एट सर ये तो होमवर्क भी दे सकते थे आप हाँ असल बात दिक्कत क्या है दिक्कत ये है वाट शुड ऑल्सो इंडिकेट द कंपोजिशन बोल रहा है कंपोजिशन बताइए इंप्लाइड रिस्क लेस हैज रिस्क फ्री पोर्टफोलियो का कंपोजिशन बताइए याद है हाँ सर हम कॉल राइट करते थे और शेयर खरीदते थे तो कितना कॉल राइट करना सर मतलब वही पूछ रहा डेल्टा हेजिंग हाँ डेल्टा हेजिंग तो सर उसके लिए हम पे ऑफ कौन सा ले उसने क्या किया आईसीआई ने यहाँ का पे ऑफ लिया मतलब सर डेल्टा निकालना डेल्टा का फॉर्मूला तो हमको पता है पर सर ये है थर्टी थ्री ये है ट्वेंटी सेवन तो एस टू माइनस एस वन तो दिक्कत नहीं है पर यहां सी यू और यहां के लिए सुनना बेटे सुनना उन्होंने सी यू क्या लिया सी यू बोले मान लो यही एक्सरसाइज हो जाता है तो यहां कितना आ जाएगा फाइव फाइव कैसे आया थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी एट फाइव और यहां तो एक्सरसाइज ही नहीं होता तो सी डी क्या ले लिया इट मीन्स वो आगे तक की बात नहीं कर रहा वो एक साल की बात कर रहा है डेल्टा के लिए डेल्टा के लिए हमें आगे तक जाना नहीं हमें यहां तक की बात करना सर तो फिर इस पे कैसे हम किस तरह से काम करेंगे डेल्टा हेजिंग से वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोल रहा है बस डेल्टा निकाल के बोल रहा है ठीक है सर Calculation of combination of portfolio, combination of risk free portfolio. डेल्टा कॉल इज इक्वल टू डी यू माइनस सी टी बाय यूएस माइनस डी एस आप इसको एस वन माइनस एस टू भी कर सकते फाइव माइनस जीरो थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन फाइव बाय सिक्स पॉइंट एट थ्री थ्री इसका मतलब राइट वन कॉल ऑप्शन एंड बाय पॉइंट एट थ्री थ्री ठीक है ये क्वेश्चन पेंडिंग था और पेंडिंग क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अब क्या करें सर अब हम पुट कॉल पैरिटी पे बात करेंगे बिल्कुल ध्यान से बात समझनी पड़ेगी टाइम लगेगा ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा इस पर टाइम लगना है अठारह मिनट यहां चला गया कम से कम आधा घंटा से ऊपर लगना और आधा ही घंटा किसको समझने में लगेगा पीएस तैयार हो अगर सुनते कुछ लिखना नहीं है सब लिखा हुआ है बुक में बस मेरी बात ठीक से समझ रहा है मैं कहता हूं हम बात किसकी कर रहे हैं पहले वो तो लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं पुट कॉल पैरट पुट कॉल पैरेट कॉल पैरिटी से भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला जाता है और एग्जाम में आता है पर सीए के एग्जाम में नहीं आता सर मतलब क्या बोल रहे मतलब यार सीधी सी बात मैं आपसे बोलू ना तो इसका एक भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है ना तो इसका एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में है ना तो एक भी क्वेश्चन आरटीपी में आया है ना तो एम में आया है ना तो एग्जाम में आया है सर मतलब आप पहले डिमोटिवेट कर सकते लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन नहीं आया लेकिन थ्योरी तो डाला हुआ है भाई स्टडी मैट में स्टडी मैट में लिख, लिखा मिल जाएगा पुट कॉल पैरिटी तो सर चांसेस क्या है चांसेस अभी तक कुछ नहीं आया ना तो क्वेश्चन है तो चांसेस का वैसे तो मैं नहीं बोल सकता आ गया तो आ गया तो बाकी बच्चे देखेंगे आप करोगे अगर आप अभी मेरे साथ कर लेते हो तो इसमें मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा कि जमाने भर के क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चन है मेरे पास एकाथ वो करवाऊंगा डेरिवेशन भी करवा दूंगा पर फिर भी किसी का दिल में थोड़ा सा समझाऊंगा समझाऊंगा कि कि क्या है एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन बन जाए पर फिर भी किसी को ऐसा मन करता है सर और डिटेल में समझना हमें एक्सपर्ट बनना पुट कॉल पैरिटी में प्लीज ऐसा दो तीन घंटे का टाइम लेके करवा दीजिए ऐसा भी मैं करवा सकता हूं पर इसके लिए आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो जो मेरा एडिशनल फोल्डर डला हुआ है ना डिटेल कॉन्सेप्ट बोल सकते हो या डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बोल सकते हो वो फोल्डर है उसके अंदर जाओगे तो पुट कॉल पैरिटी का डिटेल में वीडियो मिल जाएगा मजा भी आएगा करने में अगर आपके पास टाइम है तो टाइम नहीं है तो जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करू ठीक है ठीक है सर तो क्या करना है सर समझाओ थोड़ा सा मैं फास न एक पर्सन है जिसका नाम है राम ठीक है और एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम अब सुनो राम ने एक पोर्टफोलियो बनाया क्या बनाया बस मैं समझाते रहने की कोशिश करा उसने भाई साहब उसने शेयर खरीदा शेयर खरीदा शेयर खरीदा तो बहुत अच्छी बात है क्या सोचकर शेयर खरीदा होगा कि सर शेयर का प्राइस बढ़ेगा पर समस्या है अगर शेयर का प्राइस गिर गया तो अगर शेयर का प्राइस गिर गया तो क्या करोगे तो इसका ये कहना है अगर शेयर का प्राइस गिर गया तो चलो ना यार एक फुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं इसका एक्सरसाइज प्राइस ले रख लेते हैं कोई भी एक मन से बोल दो तीन सौ दस इसका मतलब तीन सौ दस से कम हुआ तो ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा और तीन सौ दस से ऊपर हुआ पुट लैप्स हो जाएगा पर शेयर बेच देगा इट मींस उसका ये शेयर खरीदा है भगवान से क्या प्रार्थना करेगा सर भगवान से प्रार्थना करेगा शेयर का प्राइस बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, जाए यही प्रार्थना करेगा पर अगर शेयर का दाम कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा और शेयर कितने में तीन सौ रुपए में बेच देगा इस स्ट्रेटेजी बनाया उस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है मानो प्रोटेक्टिव पुट ये जो उसने एक स्ट्रेटेजी बनाया इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट प्रोटेक्टिव पुट क्यों बोल रहा है कि पुट के प्रोटेक्टिव पुट क्यों बोल रहा है क्योंकि पुट के हेल्प से हमने अपना जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्ट कर लिया है ठीक है यहां तक अब श्याम बोलता चलो मैं भी एक स्ट्रेटेजी बनाता हूं और उसने पहले तो कॉल ऑप्शन बाय किया क्यों किया ये समझाऊंगा भाई समझाऊंगा आप चिंता मत इसने भी एक स्ट्रेटेजी बनाया कॉल कॉल ऑप्शन ऑप्शन ठीक है एक्सरसाइज प्राइस कितना तीन सौ दस इसका मतलब अगर तीन सौ दस से ऊपर दोनों का एक्सरसाइज राम का राम जो पुट ऑप्शन खरीद रहा है और श्याम जो कॉल ऑप्शन खरीद रहा है दोनों का एक्सरसाइज प्राइस एक ही रहेगा ठीक है यहां तक ठीक है सर राम को मालूम है श्याम को पता है कि यार अगर प्राइस बढ़ा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा इसने एक ये काम किया और इसने और कुछ काम किया सुनना इसने एक्सरसाइज प्राइस कितना है तीन सौ दस तीन सौ दस एक जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा सर जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है जीरो कूपन बॉन्ड की मैं बात करूं ऐसा बॉन्ड जिसको खरीदते हैं हम डिस्काउंट में खरीदते डिस्काउंट में मेच्योरिटी पर इसका हमें फेस वैल्यू मिल जाता है मतलब सम, सर समझाओ के एक बार मान लो एक साल बाद हमें पाँच सौ रुपए मिल जाएगी तो वो जीरो कूपन जीरो कूपन मतलब उस इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मान लो दस परसेंट रेट है तो पाँच सौ डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो तो वो बॉन्ड हमें फोर फिफ्टी फोर का मिल जाएगा फोर फिफ्टी फोर का बॉन्ड मिला एक साल खरीद लिया बॉन्ड कितने का फोर फिफ्टी फोर उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एक साल बाद ये बॉन्ड ले जाकर दे देंगे और बदले में हमें पांच सौ मिल जाएगा इट मींस अल्टीमेटली दस परसेंट ही कमाया और तो उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है ओ, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है सस्ते में खरीदेंगे और फेस वैल्यू पर रिडीम्ड हो जाता है यहाँ तक ठीक है जी यस ठीक है सर यहां तक ठीक है तो सर इसने जीरो कूपन बॉन्ड कितने का खरीदा एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू मतलब तीन सौ दस रुपए है डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो ना थोड़ा सा इंतजार करना तीन सौ दस डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो खरीदा टू एटी वन पॉइंट एट टू का क्या खरीद लिया जीरो मैं मान के चल रहा हूं एक साल पीरियड है टोटल तो इसने भी एक पोर्टफोलियो बनाया और इसने भी एक पोर्टफोलियो बनाया इसके इसने एक स्ट्रेटेजी बनाया या पोर्टफोलियो बनाया इसकी स्ट्रेटेजी का नाम है प्रोटेक्टिव पुट इसने भी एक स्ट्रेटेजी बनाया इस स्ट्रेटेजी का नाम है फ्यूडिशरी कॉल फ्यूडिशरी कॉल मतलब वो समझाऊंगा सर फ्यूडिशरी कॉल क्या होता है नाम पे मत जाओ नाम पे मत जाओ अभी बात समझ में आ रही है श्याम ने क्या किया कॉल ऑप्शन खरीदा है और एक बॉन्ड्स में पैसा लगाया है बॉन्ड्स में पैसा लगाया है ताकि मेच्योरिटी पे उसको तीन रुपए मिल जाएगा पैसा कितना लगाया राम बोलता है मेरा अच्छा पोर्टफोलियो मेरी अच्छी स्ट्रेटेजी है श्याम बोलता है मेरी अच्छी सर पैसा कितना लगा ये तो बताओ कितना लगा वो बाद में समझेंगे पहले सोचो कि मेच्योरिटी को क्या हो सकता है मेच्योरिटी को मतलब एक साल बाद क्या हो सकता है बुरा से बुरा अच्छा से अच्छा और फिर देखते इसको ज्यादा फायदा होगा कि इसको फायदा होगा कि दोनों को बराबर होगा अगर दोनों को बराबर होगा तो पैसा भी दोनों का बराबर लगना चाहिए यही क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट यही है चलो सर एक रेट कोई भी ले ले अच्छा सा अच्छा रेट ले लो कोई भी मन से बोल दो कोई भी बोल दो सर मान लो मान लो आठ सौ बोल दो नौ बोल दो जो आपको आठ सौ अगर सर मान लो शेयर का प्राइस आठ सौ हो जाता है आठ तो, सौ रुपये हो जाता है तो राम को क्या होने वाला है जरा देखते हैं। सर शेयर बेचेगा कितने का आठ सौ का सर जो शेयर अभी खरीद के रखा वो उसको सर कितने में खरीदा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है यार मैं बस ये निकालना चाहता हूं कि मैच्योरिटी को दोनों का पे ऑफ कितना आएगा मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं करूं मैं पे ऑफ की बात हूं मैं बस दोनों का कंपेरिजन करूं इसको ज्यादा पैसा मिलेगा मेच्योरिटी को कि इसको ज्यादा अगर प्राइस आठ हो गया तो तो सर श्याम को आठ मिलेगा प्लस आठ और सर पुट ऑप्शन जो खरीदा था वो लैप्स हो जाएगा मतलब सर उसको आठ सौ मिल जाएगा टोटल राम को श्याम की बात करते क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा हाँ कॉल एक्सरसाइज हो जाएगा भाई और 310 से बढ़ेगा 800 के तो 800 800 सौ माइनस तीन तो सर चार सौ मिल जाएगा ठीक है।, ठीक है और जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो मैच्योर हो जाएगा और उस पर आपको कितना मिल जाएगा पूरा 310 मिलेगा कितना लगाया था जेडसीबी में उसका फ्यूचर वैल्यू 310 मिलेगा दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ने से 800 सौ ओहो प्राइस अगर जितना भी क्यों ना हो जाए 900 1000 1200, 1500 जो लिखना लिखो दोनों का अगर प्राइस बढ़ता है तो इसको जितना मिलेगा इसको भी उतना मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा दोनों का स्ट्रेटेजी अभी तक सही है सर प्राइस 800 नहीं हुआ मान लो प्राइस दो सौ रुपए हो गया तो अब बोलो चलो सोचते तो जो शेयर है वो दो का बिकेगा ठीक है। पर पुट एक्सरसाइज होगा 310 सौ दस माइनस दो सौ अब तो पुट एक्सरसाइज होगा 310 सौ दस माइनस दो सौ तो एक सौ दस मिलेगा तो टोटल मिलाकर यहां कितना मिल जाएगा इसको 310 सौ दस यहां भी सोचते अगर प्राइस 200 हो गया तो कॉल तो लेप्स हो गया जीरो जेट सीबी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्राइस कुछ भी क्यों ना हो जाए वो तो 310 मिलेगा तो बोलो यहाँ कितना मिलेगा 310 इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं? सुनो, मैं कहना चाहता चाहता सुनो मैं भाई ये वाला ये वाला वाला जो जो पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो है इसमें किसी भी हालत में एक जैसा पे ऑफ आएगा चाहे प्राइस कम हो जाए चाहे प्राइस बढ़ जाए एक जैसा मतलब इसका जितना आएगा इसका भी उतना ही आएगा दोनों को एक जैसा पैसा मिलेगा अब राम सोच रहा है भाई मैं कितना पैसा लगा रहा हूं मैं कितना पैसा लगा रहा हूं बोले मैं शेयर खरीद रहा हूं एस जीरो प्लस मैं पुट ऑप्शन भी तो खरीद रहा हूं उसका प्रीमियम देना पड़ रहा है तो सर पी जीरो पी जीरो मतलब प्रीमियम किसका प्रीमियम पुट का प्रीमियम बोले मेरे पास मेरा कॉस्ट तो ये पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट कितना पड़ रहा एस जीरो प्लस पी जीरो और साहब इसका क्या कॉस्ट पड़ रहा है इसका इसको तो कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ रहा है तो सी जीरो जीरो मतलब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देना पड़ रहा और जेडसी भी खरीद रहा जेट सी भी कौन सा वाला खरीद रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ई डिवाइडेड बाय या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस सीधा लिख देता प्लस ठीक तो बात यह चाहे इसका कॉस्ट की बात करो या इसका कॉस्ट दोनों का कॉस्ट क्या एक जैसा होना चाहिए yes. यही बताती है कि इसका पे ऑफ और इसका पे ऑफ जब एक बराबर आने वाला है तो दोनों का कॉस्ट भी तो एक बराबर लगना चाहिए अगर सोच के देखो अगर सोच के देखो अगर इधर का कम लगता इधर का ज्यादा लगता इधर ज्यादा पैसे लग रहा है इधर कम पैसे लग रहा है तो कोई ये ना ले ये जबरदस्ती इधर क्यों इन्वेस्ट करेगा प्रोटेक्टिव पुट में फ्यूडिशरी कॉल में इन्वेस्ट करेगा अगर सर इधर कम पैसे लगते इधर का कॉस्ट कम होता इधर का तो कोई ये वाला खरीद लेता जबरदस्ती कॉल और ये क्यों करेगा जब लास्ट में एक जैसे ही पैसा मिलने वाला है तो जो सस्ता है वो खरीदो ना यार और जो महंगा है वह बेचो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता मालूम है जो सस्ता है उसको खरीदते जो महंगा उसे बेचते मैं आर्बिट्रेज समझाऊंगा थोड़ा सा रुक के करते ठीक है जी ठीक है जी. हमें एग्जाम में क्या दिया रहेगा इसको बोलते पुट कॉल पैरिटी इक्वेशन एग्जाम में क्या आएगा सुना एग्जाम आपको ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा कहेगा कॉल ऑप्शन का वैल्यू बताओ निकाल देंगे या तो फिर यह दे देगा कहेगा पुट का वैल्यू बताओ वो भी निकालेंगे इट मीन चार चीजें एक दो तीन चार में से एक चीजें मिस एक चीज मिसिंग रहेगी दूसरा निकालो बोले दूसरा निकाल लेंगे कोई दिक्कत की और ये दोनों बराबर होना चाहिए तो फिर हम कहेंगे वाह अब हमारा पुट कॉल पैरिटी जो है उसके हिसाब से सही वैल्यू ये दोनों बराबर होना चाहिए पर अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर आर्बिट्रेज हो जाएगा कोई एक कम होगा कोई एक ज्यादा होगा जो कम होगा उसको खरीदेंगे जो ज्यादा होगा उसको बेचेंगे सर खरीदेंगे बेचेंगे बात समझ में नहीं आती समझ में आएगी थोड़ा सा और, और करते पहले जो लिख पाए उसे पढ़ ले क्या अ पुट कॉल थ्योरम स्ट्रेटेजी ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन कॉल एंड पुट याद रखना होना का कौन सा चाहिए यूरोपियन बीच में एक्सरसाइज नहीं कर सकते अगर बीच में एक्सरसाइज करोगे तो फिर तो और कॉल और पुट ऑप्शन किस पे होना चाहिए सेम एक्सरसाइज प्राइस होना चाहिए तीन सौ इसी तरह से अगर एक का पांच एक्सरसाइज प्राइस तो दूसरे का भी पांच और एसिड भी सेम होना चाहिए एसिड सेम होना चाहिए अगर रिलायंस का कॉल खरीद रहे तो रिलायंस पुट और मेच्योरिटी भी सेम होना चाहिए मतलब पहला तीन माह तो दूसरा भी तीन माह पुट कॉल इक्वेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी हम यही डिस्कस कर रहे थे अभी एस जीरो प्लस पी जीरो इज इक्वल टू सी जीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज एस जीरो का मतलब करंट मार्केट प्राइस पी जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ पुट या पुट प्रीमियम सी जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ कॉल या कॉल प्रीमियम दिस इक्वेशन इज डिराइव विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट इसको मैंने क्या नाम दिया था सर इसको आपने नाम दिया था प्रोटेक्टिव पुट और इसका नाम क्या दिया था मैंने फ्यूडिशरी कॉल सर एग्जाम्पल की हेल्प से समझाओगे क्या तब ज्यादा मजा आएगा ठीक एग्जाम्पल की हेल्प से ले लेते एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द प्राइस ऑफ ऑप्शन ऑन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड द रिस्क फ्री रेट कितना है नाइन यू एज ए फाइनेंशियल प्लानर आर रिक्वायर्ड टू स्पॉट एनी मिस प्राइजिंग आप मिस प्राइजिंग का मतलब दोनों का कॉस्ट बराबर होना चाहिए पर एक कम है एक ज्यादा है तो उसको बोलते हैं मिस प्राइजिंग तो बोले अगर कोई मिस प्राइजिंग है जो दिया है तो वो निकाल लिए ऑप्शन प्रीमियम एंड स्टॉक प्राइस सपोज इफ फाइंड एनी सच मिस प्राइजिंग अगर मिस प्राइजिंग है तो बताइए कि इस मिस प्राइजिंग से आप एडवांटेज कैसे ले सकते हो ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यही एकमात्र क्वेश्चन है पुट कॉल पैरिटी का मैंने जो डाला हुआ है ठीक है ये भी मैंने बाहर से उठाया आईसीएआई ने पुटकॉल पैरिटी का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है अगर देगा तो ये देगा और सुनो इसको भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रखा है अभी तो मैं नहीं समझाऊंगा उतना बहुत ढंग से समझा रखा है पर उसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा मजबूरी है जो उतना रेलिवेंट नहीं जो कभी नहीं आया कुछ लोग तो पढ़ाते ही नहीं पुट कॉल पैरिटी हम पढ़ ले भाई आ गए तो तो चलो सबसे पहले इक्वेशन है सबसे पहले किसकी बात करें एक्सलिमिटेड तो पहले इक्वेशन बनाते। क्वेशन ऑफ पुट कॉल पैरेट इक्वेशन क्या बोलते सर एस जीरो प्लस बी जीरो जुडिशरी प्रोटेक्टिव पुट और सर सी जीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस या आप इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हो ठीक है तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं एक्स लिमिटेड चेक करो एस जीरो कितना दिया हुआ है सर एस जीरो मतलब शेयर का प्राइस एक सौ साठ और पुट का प्रीमियम दिया हुआ है क्या पुट का प्रीमियम है सर चार रुपए कॉल का प्रीमियम दिया हुआ है कि कॉल का प्रीमियम है सर 56 और एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया है एक्सरसाइज प्राइस है सौ माह है नौ परसेंट तो साढ़े चार परसेंट तो सर सौ डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फोर फाइव ये दोनों बराबर होना चाहिए तो इसका टोटल आ गया 164 वन सिक्सटी फोर इसका टोटल निकाल लेते हैं हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो फोर फाइव प्लस फिफ्टी सिक्स तो सर इसका टोटल आ गया क्या ये दोनों इक्वल है नहीं है अगर नहीं है तो क्या आर्बिट्रेज हो जाएगा यस लिखोगे दियर इज मिस प्राइज And possibility of arbitrage cost of cost of judiciary. Call. Is less than कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव put. Hence, जो सस्ता है वो खरीदो ये खरीदेंगे ये बेचेंगे तो बाय प्यूडिशर इक्वल एंसर प्रोटेक्टिव बोट आर्बिट्रेज गेन बाई कर रहे प्रोटेक्टिव पुट और सेल कर रहे हैं मतलब मतलब अगर मैं इसको और खोलकर बताऊं तो सर हम खरीदेंगे कॉल खरीदेंगे जेड से भी बेचेंगे शेयर बेचेंगे मतलब शॉर्ट सेल और बेचेंगे पुट सर ऐसे करवाओ ना ऐसे नहीं करवा सकता बहुत टाइम लगेगा एक डेढ़ घंटा इसी में निकल जाएगा हाँ मैं एक काम जरूर कर रहा हूँ ना मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखना है ना तो मैं कम मना कर रहा हूँ कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ टाइम नहीं है यार उतना और आता नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ डिटेल फोल्डर में जाओ हंड्रेड परसेंट और ढंग से पढ़ाया है। वो तो हंड्रेड परसेंट आपको समझ में समझने की जरूरत नहीं जो सस्ता है उसको खरीदो जो महंगा एग्जाम ओरियंटेड करवा रहा हूँ प्लीज आर्बिट्रेज गेन जो सस्ता है उसको खरीदेंगे उसको महंगे में बेच देंगे तो फायदा तो देखिए आपको वन सिक्सटी फोर माइनस 151.6 रुपीस तो ये सर आ गया ट्वेल्व पॉइंट थ्री वन ठीक है कौन सी कंपनी का किया एक्स लिमिटेड ऐसे ही किसका करना है वाई लिमिटेड लिमिटेड वाई लिमिटेड में एस जीरो कितना है एस जीरो एस जीरो एस जीरो सौ प्लस टू इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस अस्सी और छब्बीस कॉल है छब्बीस छब्बीस प्लस अस्सी एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय नौ परसेंट है तीन महीने है तो नौ इंटू थ्री बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस वन वन पॉइंट जीरो टू टू फाइव तो ये आ गया वन जीरो टू अस्सी डिवाइडेड वन पॉइंट जीरो टू टू फाइव प्लस ट्वेंटी सिक्स ओके आ गया वन जीरो फोर पॉइंट टू फोर मिस प्राइसिंग है तो लिख लें इसका कॉस्ट कम है कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट पहले भी ऐसे ही आया था क्या पर ये ज्यादा था कॉस्ट ऑफ यूडिशरी कॉल पहले ये कम था ठीक कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ यूडिशरी कॉल बाय क्या करेंगे ये बाय प्रोटेक्टिव पुट एंड सेल फ्यूडिशरी कौन गेन x सौ चार पॉइंट टू फोर माइनस सिक्स दो टू पॉइंट टू ठीक तो एग्जाम्पल था पुट कॉल पैरिटी का अगर मैं कहूँ मेरे फास्ट ट्रैक कोर्स की बात तो मैंने वहाँ छुड़वाई दिया था टोटल प्रोटेक्टिव पुट और फास्ट ट्रैक में छुड़वा दिया था अभी एक काम है दो बातें एक वो बंदे भी हो जिसको समझ में आ गया ठीक है सर जाने तो पर कुछ लोग ऐसे भी हो सर समझ में आ तो गया पर क्लियरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट पर हम करना भी नहीं चाहते सर आगे बढ़ो सर 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 कुछ ऐसे भी लोग हैं सर क्लियरिटी नहीं आ रही और करना है हमको पता नहीं क्या होगा क्या आप इसको ठीक से समझा नहीं पाए जाओ डिटेल कॉन्सेप्ट वहां देखोगे अगर वहां देखकर समझ में ना आए तो बात दूसरी हालांकि वहां आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहां लग जाएगा एक डेढ़ घंटे चांसेस एग्जाम में आने के कम है पर जिनका जिनका अभी अटेम्प्ट है ना जितना करवा रहा हूं उतना कर लो क्वेश्चन पे आ जाते क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हालांकि ये क्वेश्चन पुट कॉल पैरिटी का नहीं है पर उसी से मिलता जुलता है समझ में आ जाता है एक स्ट्रेटजी इसमें भी बनाई गई है वो प्रोटेक्टिव पुट है कि फ्यूडिशरी कॉल है कि क्या है वो मैं खुद नहीं जानता पर इस टाइप का क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया हुआ है पर इसमें आप पुट कॉल पैरिटी नहीं भी पढ़ते हो ना तो भी समस्या नहीं है यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि इसमें बताया है कि हमें कॉल बाय करना है कि कॉल सेल करना है सब कुछ बताया अगर बताया है तो फिर तो क्या दिक्कत है हम आराम से कर लेंगे एक बार यह क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द फॉलोइंग कोट्स आर अवेलेबल फॉर थ्री मंथ ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर ऑफ पी लिमिटेड विच इज करंटली ट्रेडिट एस जीरो प्राइस दिया मतलब एक्सरसाइज प्राइस दिया कॉल ऑप्शन का प्रीमियम दिया तीस और पुट ऑप्शन का प्रीमियम दिया है बीस ठीक है एंड इन्वेस्टर डिवाइस अ स्ट्रेटजी बोले स्ट्रेटजी बना रहा है आप देखो स्ट्रेटजी वो क्या बना रहा है उसको चैलेंज मत करना पता लगा आपका अपना दिमाग चला उसको चैलेंज मत करना बोल रहे हम बाई करेंगे कॉल ठीक है कॉल बाई करोगे मतलब प्रीमियम जाएगा और सेल करेंगे शेयर्स सर सेल करेंगे मतलब क्या होगा आपके पास है वो सेल करोगे नहीं बेटे ऐसे फिर सेल करेंगे शेयर्स का मतलब शॉर्ट सेल होगा शॉर्ट सेल समझते हो ना शॉर्ट सेल ना यार शॉर्ट सेल का मतलब किसी से शेयर उधार लेकर बेच देना शॉर्ट सेल उधार लेकर बेच देना यही होगा सेल का मतलब शॉर्ट सेल ठीक है सर चलो और इसके अलावा क्या करेंगे हम और क्या करेंगे और सेल करेंगे क्या पुट ऑप्शन? ड्रॉ हिज प्रॉफिट और लॉस प्रोफाइल इफ इज गिवन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देखा दस परसेंट पा रहे और इसके बाद वाट वुड बी द पोजिशन ये अलग है इट मीन्स पहला वाला काम करना फर्स्ट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी वन हीं लिख दूंगा स्ट्रैटेजी वन में क्या 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 करना है बोल रहा फर्स्ट स्ट्रैटेजी में बाई करो कॉल कैल्सियर एंसेल उट अगर ये स्ट्रेट आठ नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप पीएम सोचो यार ये क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन हो गया तो एक मिनट में खत्म होगा बच्चा क्वेश्चन ही टाइम लगेगा इसमें ठीक है सर तो अब आज के दिन टू डे कैश फ्लोस टू डे कैश फ्लोस आज का कैश फ्लो क्या होगा तो देखते क्या क्या कर रहे है? बाई कर रहे कॉल कॉल बाई कर रहे तो क्या देना पड़ेगा प्रीमियम जाएगा हाँ सर प्रीमियम देना पड़ेगा कितना रुपए प्रीमियम लग रहा है सर प्रीमियम तीस रुपए माइनस में लिख दो तीस रुपए प्रीमियम का गया सेल किया सेल का मतलब यहां लिख देता हूँ शॉर्ट सर अगर शॉर्ट सेल किया तो पैसा आया यस yes. पैसा आया कितना तीन सौ दस शॉर्ट सेल मतलब किसी से लेकर बेच दिया उसको बाद में वापस करेंगे ना तीन महीने बाद पर पैसा तो आ गया, और क्या किया सेल किया पुट अगर पुट सेल किया तो तो सर प्रीमियम आएगा सेल का मतलब राइट की पुट राइट अगर राइट की पुट तो सर प्रीमियम आएगा कितना आएगा बीस आएगा तो हमारे पास पैसा कितना जमा हो गया आज सर तीन सौ दस प्लस बीस माइनस तीस तो सर तीन सौ रुपए जमा हो गया अब तीन सौ रुपए आज क्या करोगे घर में थोड़ी रखोगे उसको इन्वेस्ट कर दो इन्वेस्ट पीस थ्री हंड्रेड एट द रेट टेन परसेंट पर है ना और थ्री मंथ ये काम कर चुके हैं ठीक है सर यह भी हमने इन्वेस्ट कर दिया अब करना क्या अब मैं बात कर रहा हूं अब आपको कोई भी दो प्राइस लेनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा कोई भी दो प्राइस मन से अच्छा सर हाँ भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रॉफिट लॉस बताना सर दो प्राइस मान लो सपोज शेयर का प्राइस सर कोई भी ले लेके कोई भी ले लो ना भाई दिक्कत सात सौ रुपए ले लेते ले 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 एक और एक दो सौ रुपए ले लेते ले अगर सात सौ हुआ तो क्या होगा दो सौ हुआ तो क्या होगा ठीक है तैयार यस सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा मिलेगा तीन सौ रुपए अब ये देखना तीन सौ दस परसेंट दस परसेंट का कितना होता है तीन महीने का सर ढाई परसेंट तो कंटिन्यूसली तो कंपाउंडिंग दिया है कि फिर नॉर्मल दे रखा है कहीं कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का फैक्टर दे रखा है ये देखो ये दिया हुआ है ये दिया हुआ मतलब आपको कंटिन्यूसली तो कंपाउंडिंग यूज करना पड़ेगा अब सवाल ये है कि ये वाला लेना है कि ये वाला लेना अब आईसीएआई क्योंकि हमको तो भाई समझता है उसको लगता है ढाई परसेंट मतलब ढाई परसेंट मतलब कुछ बच्चे पॉइंट टू फाइव ले लेंगे तो ये कर ले लेंगे हम पागल थोड़ी ना पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड करेंगे तो हमको मालूम है पॉइंट सॉरी टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड करेंगे तो पॉइंट जीरो टू फाइव आएगा ना 2.5 परसेंट तो 2.5 पॉइंट पॉइंट आएगा हमको भी पता है तो ये पॉइंट उसको ऐसा लग रहा है और बच्चे गलती से ये लिख देंगे। हम पागल थोड़े ना इंस्टीट्यूट हमको मालूम है ये वाला अब कुछ बच्चे लिख दे तो अलग मैटर है बाकी ये वाला है मतलब ई पॉइंट जीरो टू फाइव उसका वैल्यू है हमारे पास तो मैं सीधा लिख दू क्या यस yes. 300 into, क्या वैल्यू दिया हुआ है तीन सौ सात पॉइंट फाइव नाइन चाहे दुनिया इधर से इधर क्यों ना हो जाए अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमको तो इतना मिलेगा ही मिलेगा ठीक है अब जो शॉर्ट सेल किया शॉर्ट सेल किसी और का शेयर लेकर बेच दिया उसको वापस तो करना पड़ेगा और उसको जो वापस करोगे हमें शेयर खरीद के वापस करना पड़ेगा तो बाय शेयर एंड रिटर्न टू स्टॉक लेंडर सात का है तो सात में खरीदना पड़ेगा अगर दो सौ का है तो दो सौ में खरीदना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं तो एक तो हमने ये, ये वाला काम कर दिया ठीक है कॉल ऑप्शन बाई किया था कॉल का क्या होगा यहां बोलो सात सौ पर सर एक्सरसाइज हो जाएगा एक्सरसाइज होने पे कितना मिलेगा एक्सरसाइज प्राइस कितना था यार एक्सरसाइज प्राइस तो दिया ही नहीं तीन सौ लिख लेता हूँ सर कॉल तीन सौ से ऊपर जाएगा तो कॉल हमने खरीदा एक्सरसाइज हमें मिलेगा कितना तीन सौ माइनस सात सौ चार सौ रूपये मिल जाएगा हमको कॉल एक्सरसाइज होगा और यहाँ कॉल ऑप्शन तो लैप्स हो जाएगा सर अब पुट सामने वाला एक्सरसाइज करेगा यहाँ तो लैप्स हो जाएगा पर यहाँ सामने वाला एक्सरसाइज करेगा तीन सौ माइनस दो सौ तो हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा क्योंकि हमने पुट क्या किया है राइट right किया बेहतरीन क्वेश्चन है हर चीज है टोटल मारो और भगवान से प्रार्थना करो कि दोनों में एक बराबर आ जाए बात समझ में आ रही है यहाँ पुट लैप्स, पुट एक्सरसाइज होगा और सामने वाला ले जाएगा पैसा डिफरेंस तो सर तीन सौ सात पॉइंट फाइव नाइन प्लस चार सौ माइनस सात सौ तो सर सेवन पॉइंट फाइव सर तीन सौ सात पॉइंट फाइव नाइन माइनस दो सौ माइनस सौ सर सेवन पॉइंट फाइव नाइन क्या गेन हो रहा है यस yes. क्या किसी भी हालत में हमें गेन सेवन पॉइंट फाइव नाइन का होगा यस yes. ठीक है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने कहा ना भाई आठ नंबर का क्वेश्चन है यार ये सारी तो मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है सर अच्छा लगा क्वेश्चन अच्छा था ही क्वेश्चन लगने वाली बात ही नहीं तो ये वाला काम हो गया अब सुनो अब अब क्या बोल रहा है हद तो तब होती बोले बताओ आपकी पोजीशन क्या होगी अगर जो स्ट्रेटजी है वो वाली वाली स्ट्रेटि, स्ट्रेटजी को छोड़ अगर हम सेल कर देते कॉल मतलब राइट कर रहे कॉल और खरीदते हैं पुट और शेयर तो आपकी स्ट्रे, स्ट्रेटजी से प्रॉफिट स्ट्रेटजी चेंज किया प्रॉफिट वही होगा कि अलग होगा चलो तो अजाती स्ट्रैटेजी नंबर टू सेल क्या कर रहे हो कॉल बाई क्या कर रहे हो यस एंड बाई क्या कर रहे तो हो सर जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस होगा हाँ पर दिखाना पड़ेगा ना इसको सबसे पहले टू डेज कैश फ्लोस सेल कॉल कॉल सेल करोगे तो प्रीमियम आएगा कितना रुपए प्रीमियम आएगा तीस रुपए शेयर बाय करोगे तो जाएगा तीन सौ दस गुड बाय करोगे तो जाएगा बीस तो टोटल इस बार कैश इन नहीं है आपका कैश आउटू तो। कितना तीन सौ और तीन सौ अब क्या करोगे बोर एट द रेट टेन परसेंट पर एन थ्री मंथ्स मैच्योरिटी को देख लेते हैं। दो प्राइस हो सकती है कोई भी ले लो मैं वो ही ले लेता हूं सकता। या तो हो सकता है जो पैसा बोरो किया वो तो चुकाना पड़ेगा चाहे शेयर का प्राइस कुछ नहीं हो कुछ भी क्यों ना हो जाए तो रिपेमेंट 1.0, 2.53, तो सर थ्री जीरो सेवन पॉइंट फाइव नाइन माइनस माइनस थ्री जीरो सेवन पॉइंट फाइव नाइन यहां तक तो ठीक है अब जो शेयर जो आपने खरीद के रखा है खरीद के रखा है उसको बेचना भी पड़ेगा सेल्स तो सर यहाँ जाएगा सात सौ और यहां जाएगा दो सौ जो भी प्राइस उस पर बेचेंगे अब जो हमने पुट किया तो पुट का क्या है एक्सरसाइज होगा कि लैप्स क्योंकि हमने खरीदा है या तो लैप्स हो जाएगा और यहाँ आएगा पैसा कितना तीन सौ माइनस दो सौ आएगा ठीक और बात करती कॉल का कॉल यहाँ एक्सरसाइज होगा और यहाँ एक्सरसाइज होगा तो कितना चार सौ जाएगा और यहाँ हो जाएगा देख लो आप प्राइस कोई दूसरा भी ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है प्राइस सात सौ दो सौ लिए कुछ दूसरा भी ले सकते थे सर सात सौ माइनस चार सौ माइनस तीन सौ सात पॉइंट फाइव में सर लॉस है यहाँ माइनस और यहां भी लॉस है माइनस सेवन पॉइंट किसी भी हालत में क्या होगा लॉस ये क्वेश्चन पुट कॉल पैरिटी का नहीं था जो सोच रहे कि सर पुट कॉल पैरिटी का इससे क्या रिलेशन कोई रिलेशन नहीं ये क्वेश्चन आया था जिसमें स्ट्रेटजी खुद बताया था उसने और कहा था क्या क्वेश्चन करो खत्म डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वीडियो में जाइए। बाकी पुट कॉल बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है अब क्या करना है सर तो चलो भाई अब काम क्या करना तो अब एक काम करते हैं अब हमारा लास्ट बचा हुआ है वो बचा बी एस एम ब्लैक सोल्स मॉडल उसको डिस्कशन कर लेते हैं। एक दो मिनट का ब्रेक पानी पी लू उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं चलो भाई ठीक है सर चले आगे तो पुट कॉल पैरिटी इंपॉर्टेंट नहीं था पर फिर भी हमने कर लिया अगर जिन लोगों ने मेरी ट्रैक ले रखा होगा पहले से उनको पता ट्रैक की बात रेगुलर में तो मैं करवाता हूं तो उसमें मैंने पुट कॉल पैरिटी नहीं करवाया थर्ड बीएसएम सर ब्लैक सॉल्स मॉडल एस इसमें टाइम लगेगा और इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं सर बताओ सर सच सच बताना सच तो यह है कि काफी जमाने से आया नहीं पर सच यह भी है कि पहले आया था और सच ये भी है कि आपके स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस मैनुअल में भी है आरटीपी में भी क्वेश्चन आते हैं एमटीपी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं बस एग्जाम में नहीं आते तो सर कहना क्या चाहते हो अच्छे से करना पड़ेगा टाइम पास मत करना प्लीज मत छोड़ना बेटे और एक सच ये भी है नाइनटी परसेंट बच्चे ये, ये छोड़ देते हैं उसकी दो वजह मेरी समझ में सुनो क्यों छोड़ देते हैं बी एस एम छोड़ देते मेरे पास ना जाने कईयों के फोन आते हैं कि सर ये छोड़ दे क्या सर ये छोड़ दे क्या क्यों छोड़ते हैं मालूम है क्योंकि ना मैंने जब इसको करवाया जब मेरे रेगुलर क्लास में जब मैंने करवाया ना कॉन्सेप्ट समझाने में दो ढाई घंटे लगा दिया और बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है तो सर अब क्या करें मैं आधा घंटा में कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और फिर डिटेल के लिए आपको वीडियो जरूर दे दूंगा मैं जानता हूं ये ढाई घंटे का है नहीं है हाँ अगर आप सी एफ ए या एफ आर एम या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अलग बात है उतना डिटेल में समझिए अभी यहां सिर्फ काम की बात होगी स्टार्ट कर बी क्या चीज क्या हमने बायनोमियल पढ़ा था लिखना कुछ नहीं है आ, सर बायनोमियल पढ़ा था सर मान लो ये प्राइस ऑफ शेयर है ये आज है आज और ये सर यह तीन महीने में और आज शेयर का प्राइस कितना है पांच सौ तो बाइनोमियल कहता है बाइनोमियल की शेयर का प्राइस दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं ये किसका कहना है बाइनोमियल का ये मैच्योरिटी थ्री मंथ या तो एक प्राइस बढ़ेगा या तो एक प्राइस कम होगा दो ही पॉसिबल प्राइस है जो कि क्या बाइनोमियल के हिसाब से टोटल गलत है या बाइनोमियल के हिसाब से सही है पर प्रैक्टिकली गलत है आप कैसे बोल सकते कि दो पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं तो बी एस एम बोलता है कि साहब हम बोलते हैं अब हमारी बात सुनो हमने कब कहा कि शेयर का प्राइस ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा बोले शेयर का प्राइस पांच सौ है ना आज अच्छा? तो बोले शेयर का प्राइस कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होके यहां भी हो सकता है शेयर का प्राइस कम ज्यादा कम ज्यादा होके यहां भी हो सकता है या शेयर का प्राइस या शेयर का प्राइस ऐसे भी हो सकता है ये लो ये हो गया शेयर का प्राइस ठीक है यह शेयर का प्राइस क्या बहुत सारे प्राइस हो सकते हैं यस yes, बहुत सारे प्राइस हो सकते इट मींस ये है बी एस एम बी एस एम बस ये बोलता है कि आप डेविएशन को कैसे बोल सकते हो डेविएशन है बहुत सारे प्राइस हो सकते हैं मैच्योरिटी पर और बाइनोमियल क्या बोलता था कि दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं तो सर इसका मतलब बाइनोमियल के साथ जो प्रॉब्लम थी हा बाइनोमियल में जो कुछ लिमिटेशन थी उस लिमिटेशन को बी ने खत्म कर दिया ठीक यहां तक तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बी क्या बोलता है दूसरी बात अब बी एस एम ने वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला बताया अब सुनना क्या बताया अब ध्यान से समझना मेरी बात को थोड़ा सा मुश्किल है प्लीज अब उसने फॉर्मूला क्या बताया उसने कहा वैल्यू ऑफ कॉल निकालने का फॉर्मूला अब सुनना वैल्यू ऑफ कॉल निकालने का फॉर्मूला क्या बोलता हूं उसका क्या कहना है उसका कहना है सर मान लो कॉल ऑप्शन ठीक है एक्सरसाइज प्राइस है चार सौ दस और शेयर का प्राइस है शेयर का प्राइस पांच सौ तो क्या हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं हाँ कॉल ऑप्शन है तो हम तो बोलते हैं कि प्राइस बढ़ना चाहिए ना यार अगर बढ़ना चाहिए तो एक्सरसाइज करने से बोलो कितने का फायदा दिख रहा नब्बे रुपए उसको आप इंट्रेंसिक वैल्यू बोलते हो ना हाँ कैसे निकालते सर सर पांच सौ माइनस चार सौ दस आप यही तो निकालते पांच सौ पांच सौ माइनस चार सौ दस दिस इज इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन या वैल्यू ऑफ ऑप्शन दो कोई दिक्कत है क्या नहीं सर पांच सौ रुपए क्या एस और चार सौ दस क्या है एक्सरसाइज प्राइस सर इतना आसान है कि बी एस एम इतना आसान है कुछ नहीं करना एस माइनस ई करना एस माइनस ई तो आपको आता है ना तो बी एस एम का फॉर्मूला लिखना कुछ भी नहीं है बस सुनना है उन्होंने फॉर्मूला बनाया क्या बनाया उन्होंने कहा एस लिख दो और माइनस क्या कर दो ई लिख दो कोई दिक्कत है पर एस कौन सा वाला लिखे सर मान लो सिक्स मंथ है मैच्योरिटी पीरियड सिक्स मंथ तो एस आज का लिखेंगे कि छह महीने बाद का वैल्यू कब निकालना छह महीने बाद थोड़ी वैल्यू निकालना वैल्यू तो आज निकालना तो सर एस कब का लिखे महीने बाद का हमको पता कैसे लगेगा एस आज का लिख दो सर लिखनी गलत है एस आज का लिख रहे हैं और एक्सरसाइज प्राइस कब की है वो तो छह महीने बाद की है ना कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कैश आउटफ्लो आज और जो कैश इनफ्लो है वो तो छह महीने बाद आएगा दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा सर कोई बात नहीं इसका प्रेजेंट वैल्यू ले दो ई पावर आर टी सर ई पावर आर टी मतलब बी एस एम में कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग ही यूज होगा ठीक है तो अगर मैं कहूं फॉर्मूला क्या हो गया जीरो माइनस ई डिवाइडेड बाई ई पावर आर टी ठीक है जी ठीक है सर इतना इजी तो नहीं है मैं जानता लू ना इतना इजी नहीं है सुनो तो सही बस एक और उसने बेकार का काम किया अब क्या काम किया? ये समझ में आया ना हाँ सर ये एरो आज का ए जीरो माइनस यू तो होता है किसका? बस उसने काम क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक एनडी वन से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक फैक्टर जिसका नाम है एनडी टू से और ये जो वैल्यू बना ये कॉल ऑप्शन का वैल्यू बन गया इट मीन्स कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला उसने दिया एस जीरो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज और उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और जो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है उसका नाम एक का नाम है एनडी वन और एक का नाम है एनडी टू सर होता क्या होता क्या रुक जाओ समझाऊंगा मैं कमान कर मैं अभी फॉर्मूले का थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है सर एनडी वन एन डी टू हालांकि इसको ऐसे बोलते हैं कि सर ये क्या बोलते हैं इसको डेल्टॉप कॉल बोलते हैं डेल्टॉप कॉल और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी यूज होगा हां और इसमें क्या जेट टेबल का यूज होगा या एन का मतलब क्या होता एन का मतलब होता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सर ये दिया रहेगा क्या ये बता दो ये फैक्टर दिया रहेगा तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं भगवान करे दिया हो और नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे मैं बैठा हूं ना यार क्यों अभी मोटा मोटा रूप से हमें क्या समझ में आया सर मोटे मोटे रूप से हमको समझ में आया कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला आपने बताया लिखना तो है नहीं क्योंकि लिखा है आपने बताया सर एस जीरो और इसको मल्टीप्लाई करना डी वन पता नहीं आप बोल क्या रहा है डी वन क्या होता है वो तो नहीं मालूम पर डी वन से मल्टीप्लाई करना माइनस करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इसको मल्टीप्लाई करना एन डी टू यही कहना चाहते हो तो क्या पुट ऑप्शन का भी फॉर्मूला बन सकता है हाँ सर ऐसा घुमा देते हैं मतलब सर ई आर टी एन टू एन डी टू एस जीरोन डी वन गया उल्टा ही तो करना बस यहाँ माइनस का साइन रहेगा सर माइनस का साइन क्यों रहेगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ना थोड़ी थोड़ी बात करते ठीक है कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है पर सिर्फ इस फॉर्मूले से काम हो सकता है कि मेन फॉर्मूला यही है आपका पर एक समस्या अभी भी आएगी कि सर ये कैसे निकालना है और ये कैसे निकालना है ये दिया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालना ये सब चर्चाएं होगी एक एग्जाम्पल के साथ होगी मैं ऐसे बोलते जाऊंगा ना फिगर विगर बिना लिखे बिना आ, कोई भी अमाउंट नहीं ले रहा हूं ऐसे बोल रहा हूं ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है रफली ये फॉर्मूला आपको समझ में है थोड़ा बहुत लिखा हुआ है बी एस एम में एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा बी एस एम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज कैलकुलेटेड एज अंडर ऐसे वैल्यू ऑफ पुट का भी फॉर्मूला लिखा नहीं है आप लिख लीजिए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट आता ही नहीं है आज तक नहीं आया पर लिख लो ई डिवाइडेड बाय ई आर टी बायू एन माइनस डी टू माइनस एस जीरो ठीक है यहां तक एस जीरो का मतलब करंट एक्सरसाइज करंट मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना यहां कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग ही लेना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग लेना पड़ेगा एन का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसको आप जेट टेबल बोलते हैं जेट टेबल याद है कि नहीं है बेसिक क्लासेस में मैंने करवाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसका भी यूज आएगा यहाँ ठीक है डी वन का मतलब डेल्टा ऑफ कॉल या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस मोर देन एक्सरसाइज प्राइस सर इसका मतलब क्या कहना चाहता है इसका मतलब आप सुनना ध्यान से D1 का मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा है क्या स्टॉक का प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होना चाहिए स्टॉक का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होना चाहिए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ठीक समझ रहे और D2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज एक्सरसाइज ऑप्शन एक्सरसाइज होने की क्या प्रोबेबिलिटी सर मतलब यहां क्या है यहां जो निकालने जा रहे हैं हम लोग ये जो निकालने जा रहे हैं और ये जो निकालने जा रहे हैं ये अल्टीमेटली है क्या बेटे ये प्रोबेबिलिटी है और इसको आपको कहां से देखना पड़ेगा जेड टेबल का यूज करना पड़ेगा बाकी और कुछ नहीं ठीक और यही मैं आपको सिखाऊंगा यही वाली चीज सिखाऊंगा ठीक है बस दिक्कत किस किस में आएगी D1 और D2 तो वो भी आराम से हो जाएगा एक तो ये फॉर्मूला है D1 का और ये D2 सर 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 ये क्या बोल रहा है मैं समझाऊंगा ना अभी इसको भूल जाओ अभी तो मैंने बात ही नहीं किया ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं जितना भी टाइम लग जाए इस एग्जाम्पल के बाद ब्रेक ले लेंगे यस जितना भी टाइम लग जाए जान लगा देना टाइम लगेगा क्वेश्चन में टाइम लगे और ये एग्जाम्पल कर लेते हो तो अच्छे से ठीक है चलो हिम्मत दिखाते हैं और काम करते हैं एक एक चीज डिस्कशन करूंगा तो चिंता मत करो सुना क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले स्पॉट प्राइस दिया स्पॉट प्राइस स्पॉट प्राइस को हम क्या बोलते हैं एस जीरो प्राइस को क्या बोलते हैं ई टाइम को क्या बोलते हैं टी रेट को क्या बोलते हैं आर और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन को ये सिग्मा ठीक है इट मीन्स मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या ये चार कितने फैक्टर दिख रहे हैं पांचों फैक्टर हमारे ऑप्शन के वैल्यूएशन के लिए जरूरी है यस ठीक है और क्या निकालना वैल्यू ऑफ कॉल इसके बी एस एम के तो सबसे पहले मैं स्टार्ट हूं यहां से वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फॉर्मूला लिख देखिए सर सी जीरो इज इक्वल टू ठीक एस जीरो इन टू एन डी वन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इनटू एन डी टू कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत एस जीरो दिया हुआ है क्या सर एस जीरो दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है सर 165 एनडी वन दिया है कि एनडी वन नहीं दिया तो अब हमें एनडी वन निकालना पड़ेगा अब अब मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है वर्किंग नंबर वन सबसे पहले डी वन निकालना पड़ेगा ठीक है डी वन निकाल के फिर उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ढूंढना पड़ेगा अब सुनो डी वन का फॉर्मूला क्या दिया है पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं डी वन इज इक्वल टू एन एल एच जीरो डिवाइडेड बाय ए प्लस आर प्लस इंटू टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविशन रूट ऐसा लगा बिल्कुल गंदा समझाओ प्लीज समझा समझा रहा हूं समझा रहा हूं चिंता मत करो अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा ठीक ठीक है सर धीरे धीरे बात करूंगा एक एक पार्ट पे बात करूंगा सबसे पहले मैं एल एन दिख रहा हूं एस जीरो कितना सर एस जीरो है वन सिक्सटी फाइव और एक्साइज प्राइस कितना है 150. फिफ्टी आगे इसको सॉल्व करूंगा सबसे पहले 165 डिवाइडेड बाय 150 करो 165 डिवाइडेड बाय 150। तो सर ये आ गया 1.10। पॉइंट में लिख रहा हूं आपको लिखना नहीं आपको सुनना है। और इसका निकालना है एन एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉक सर ये है क्या चीज बस इतना एल एलन है क्या ध्यान से सुनना ध्यान से ध्यान से सुनना मेरी बात को जब हम एक रेट लेते हैं दस परसेंट दस परसेंट और मैं आपको बोलता हूं कि बताइए इसका कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है दस परसेंट का कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर क्या आता है तो आप ऐसे लिखते थे पॉइंट वन जीरो लिखते थे पहले हाँ तो मैं दस परसेंट की जगह पॉइंट वन जीरो लिख दू क्या है? यस कुछ समझाने जा रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं यार मतलब मुझे दस परसेंट की जगह मैं पॉइंट वन जीरो लिख रहा हूं तो पॉइंट वन जीरो का कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर क्या आएगा तो आप क्या करते थे पॉइंट वन जीरो डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन इंटू तो इक्वल टू क्या है कितने बार करते थे बारह बार यही बात है तो अगर मैं कहूं पॉइंट वन डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यहां वैल्यू आ गया वन पॉइंट वन जीरो फाइव ठीक है तो मैं आपसे बोल रहा हूं दस परसेंट का कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर ये आया अब मैं आपसे ये भी तो बोल सकता हूं भाई कि 1.1052 है फैक्टर फैक्टर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर बता सकते हो ये किस रेट का है अगर मैं आपको ये वाला वैल्यू दे दूं और आपसे ये पूछूं तो क्या आप निकाल सकते हो हाँ सर बैक कैलकुलेशन हो जाएगा हाँ पर हम इसको ऐसे बोलते कि आप नेचुरल लॉग निकालिए 1.1052 का तो आंसर आ जाएगा पॉइंट मतलब 10 परसेंट इट मीन इसका लॉग निकालना पड़ेगा और उसके लिए लॉग टेबल वगैरह दिया रहता हमें जरूरत नहीं है हमारे पास कैलकुलेटर बहुत है तो आप चाहो तो मैं आपको लॉग टेबल भी दे दूंगा ठीक है सब तो इसको बैक कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप क्या करोगे यहाँ डिवाइड है तो यहाँ क्या जाएगा इंटू इक्वल टू यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा बारह बार प्लस वन की जगह क्या आएगा माइनस वन डिवाइड की जगह क्या जाएगा उल्टा ही तो करना है तो आंसर वन पॉइंट वन जीरो फाइव टू वन पॉइंट वन जीरो फाइव टू कितने बार स्क्वायर रूट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इंटू फोर जीरो नाइन सिक्स आंसर कितना आ गया आंसर यही तो आ गया ऐसा कर क्यों रहा है कर क्यों रहा है अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बात ये कर रहा हूं मैं बात ये कर रहा हूं कि ये है क्या एल क्या है एल नेचुरल लॉक क्या है नेचुरल लॉक कुछ नहीं है। जो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर आया है भाई उसका रेट क्या है वो रेट निकाल रहा दस इट मीन्स यहां बताओ यहां है क्या यहां ये कौन सा प्राइस है सर ये स्टॉक का प्राइस ये क्या हूं? कौन सा एक्सरसाइज प्राइस तो एक्सरसाइज प्राइस से स्टॉक का प्राइस कितने गुना है वो ये निकला और उसका रेट बता सकते हो कि कितने परसेंटेज ज्यादा है वो परसेंटेज रहा हूं सर इसका मतलब हम यहां क्या निकालने की कोशिश कर रहे है? इस पे फोकस करना सर हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइज प्राइस से स्टॉक का प्राइस कितने गुना ज्यादा है परसेंटेज में बता दू और वही परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं इट मीनस मैं आपसे यहां मैंने आपको एक चीज बोला था मैंने कहा था कि D1 का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस मोर देन एक्स एक्सरसाइज प्राइस प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है ठीक है अब मैं आपसे और कुछ बातें कर लू अभी मैंने इसका रफली रफली आइडिया दिया आपको ठीक है अब सब सारी बातें समझ में आ जाएगी यहां इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं तो बात समझ में आएगी प्लस आर का मतलब क्या होता तो सर फिर भी फॉर्मूले का लॉजिक डेरिवेशन वो सब समझा रहा हूं थोड़ा सा इंतजार करो पहले लिख लो आर का मतलब क्या होता है आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट जीरो सिक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना तो है सर स्टैंडर्ड डेविएशन है पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट को क्या लिखेंगे पॉइंट वन फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और टाइम है दो साल तो टू लिख देंगे सर टाइम होता है एक साल तो वन लिखते हैं। सर टाइम होता छह महीने तो ईयर में लिखना है पॉइंट फाइव ईयर्स याद रखना है यार ईयर्स में लिखना है हर चीज ईयर्स में छह महीने सिक्स बाय ट्वेल्व ने लिखर्स लिखा करो लिख सर सिक्स बाय ट्वेल्व भी तो चल जाता है चल जाता कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर ये वैसे है क्या ये तो समझाया नहीं मैं समझा रहा हूं ना थोड़ा रुको तो सही स्टैंडर्ड एवियशन कितना है सर स्टैंडर्ड एवियशन पॉइंट वन फाइव टाइम कितना है ठीक अब सुनो फॉर्मूला क्या बोलता है फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है मैं वो आपको दे रहा हूं हमें जेट का वैल्यू निकालना और जेट का वैल्यू याद है आप ऐसे करते थे एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ तो ये क्या है सर ये क्या है सर ये, ये है आप ये निकाल ये है एक्स एक्चुअल में और ये क्या है ये एक्चुअल में है एवरेज एवरेज यहां भी रेट है यहां भी रेट है यहां एक्चुअल रेट कितने से बढ़ा है ये निकाल रेट कितने से बढ़ा है इसको आप एक्स बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहा है यह एवरेज कि एवरेज रेट क्या होना चाहिए एक्सरसाइज प्राइस से स्टॉक प्राइस कितना रेट से बढ़ा है और एवरेज रेट क्या होना चाहिए और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविशन सर पर ये क्या है स्टैंडर्ड एविशन बात समझ रही है सर यहां तो माइनस होना चाहिए यहाँ प्लस क्यों है बट क्योंकि जब ये इक्वेशन अगर मैं ढंग से समझाऊं तो यहाँ माइनस का साइन है न? और यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाता पर यहाँ अभी इसको आप ज्यादा समझाने के चक्कर में ना गलती मत कर देना एग्जाम में ठीक है रफली समझाया एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सर ये क्या है रूट टू मतलब ये भी समझा देता मैं आपसे बोल रहा हूं वेरियंस समझ तो वेरियंस नहीं सर पोर्टफोलियो पढ़ा नहीं है ना थोड़ा सा दिक्कत है पर तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा मान लो मान लो मान लो ये आज ये एक साल एक साल एटी वन परसेंट इसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस अभी थोड़ा सा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन वो वेरिएंस को स्क्वायर रूट करके आता मतलब सर मतलब स्क्वायर रूट एटी वन करोगे 81 वन का स्क्वायर रूट करोगे तो यहां जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन नाइन परसेंट जब आप पोर्टफोलियो पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा वेरिएंस जो है उसको वेरिएंस का मतलब होता है रिस्क उसको आप स्क्वायर रूट करते हो तो क्या आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है यहां तक ये कितने साल का है यह है एक साल का मैं कहता हूं क्या छह महीने का आप वेरिएंस निकाल सकते हो छह महीने का वेरिएंस यस सर 81 का आधा 81 वन इंटू टू बाय नहीं एटी वन इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व तो सर ये आ गया वेरिएंस 40.5 ठीक क्या छह महीने का आप स्टैंडर्ड एवियशन निकाल सकते हो अब ध्यान से समझना ना छह महीने का स्टैंडर्ड एवियशन निकल सकता है सर एक बच्चों का आंसर आएगा सर नौ परसेंट है साल भर का तो छह महीने का नाइन इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व तो सर ये आएगा फोर पॉइंट फाइव परसेंट छह महीने का दूसरा बच्चा बोलता है कि सर इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं ना तो सर फोर्टी पॉइंट फाइव का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ रहा है सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स कौन सा सही है एक कहता है कि चलो ना इसी को आधा कर देते एक बच्चे बोल रहे सर इसका तो छह महीने का वेरियंस है तो चलो इसी को स्क्वायर रूट करते तो ये आ रहा है कौन सा सही है जब पोर्टफोलियो डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा ये गलत है यही वाला सही है ये वाला सही है ये छह महीने का स्टैंडर्ड ये साल भर का स्टैंडर्ड एविएशन ये छह महीने का स्टैंडर्ड एविशन पर छह महीने का स्टैंडर्ड एवियशन निकालने का और एक तरीका है टोटल साल भर का स्टैंडर्ड एविएशन कितना है नाई पीरियड कितना है छह महीने को हम आधा साल बोल सकते हो अब निकालो कितना आएगा स्क्वायर टू नाइन तो क्या आंसर इतना ही आ जाएगा यस yes. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके लिए चिंता मत करना ये पीरियोडिकल स्टैंडर्डाइजेशन पीरियोडिकल ठीक है ठीक है सर बाकी ये पोर्टफोलियो का वेरिएंस वगैरह ये आपको पोर्टफोलियो में पढ़ने को मिलेगा मैं सारी बातें नहीं कर सकता प्लीज यहां मुझे परेशान ना करो डिटेल का वीडियो मैंने आपको दे रखा है डिटेल में पढ़ सकते ठीक है सर ये बात समझ में आई कि अल्टीमेटली हम जेड का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं जेड डी वन क्या है डी वन कुछ नहीं है कि जेड का वैल्यू जिसको हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ढूंढना है और हमने मैं फिर से बोला ये क्या एक्स ये क्या है म्यू और ये क्या है पीरियोडिकल स्टैंडर्डिश ठीक है ठीक है सर आया कैसे लॉजिक डेरिवेशन ये सब डिटेल वाला देखोगे हमारे काम की ये चीज है अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एक सौ पैंसठ डिवाइडेड बाई एक सौ पचास तो सर वन पॉइंट वन जीरो प्लस पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन फाइव इंटू इक्वल टू पहले ही वाला सॉल्व करूंगा मैं पॉइंट वन फाइव इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय टू प्लस पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टू तो सर ये आ गए पॉइंट वन फोर टू फाइव टू स्क्वायेर रूट टू स्क्वायर रूट इंटू पॉइंट वन फाइव तो सर ये आ गए पॉइंट पॉइंट टू वन टू वन ठीक है सर ठीक अब LN का वैल्यू अक्सर नाइनटी नाइन परसेंट में दिया रहता है सर नहीं दिया रहे तो हम निकालेंगे बैक कैलकुलेशन बैक कैलकुलेशन याद है सर देखो डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स करते थे प्लस वन करते थे इक्वल टू बारह उल्टा जाएंगे मतलब वन जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मतलब स्क्वायर रूट किया बारह बार माइनस वन किया इंटू फोर जीरो नाइन सिक्स कर दिया तो सर ये आ गया जीरो पॉइंट जीरो नाइन फाइव टी वन प्लस जीरो पॉइंट वन फोर टू फाइव Divided. .9531 .1425 divided by zero point two one two one thick point zero nine five three one plus point one four two five divided by point two one two one. So yeah I guess sir one point one two one one two one one point one two one और ऐसे ही क्या निकालना पड़ेगा हमको d2 d2 का फॉर्मूला मैंने बताया है d1 वन माइनस स्टैंडर्डाइवेशन रूट टी क्या d1 हम निकाल चुके हैं यस डी वन कितना आया था वन पॉइंट वन टू वन टू माइनस ये वाला स्टैंडर्ड एवेशन रूट टी मतलब सर पॉइंट टू वन तो वन पॉइंट वन टू वन टू माइनस पॉइंट टू वन टू वन ये आ गया सर पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन ठीक ऐसा है हो गया सर कि अभी अभी तो पिक्चर बाकी है भाई. पिक्चर बाकी समझाने में टाइम लगा बनाने में टाइम नहीं लगता आपको सीरियसली बता रहा हूँ क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा पर d1 वर्किंग नोट नंबर वन में मैंने d1 और d2 एक साथ ही निकाल लिया है d1 एंड d2 अब nd1 निकालना मतलब यार इसको हमको इसको हमको z टेबल में ढूंढना पड़ेगा और इसको भी हमको z टेबल में ढूंढना पड़ेगा तो वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ एनडी वन एनडी टू तो टाइम हो गया डेढ़ घंटा हो गया अरे हो जाने दो अब खत्म ही होने वाला है यार कॉन्सेप्ट ठीक है ब्रेक दे रहा हूँ इसके बाद ब्रेक ही दे रहा हूँ मैं लगेगा दस पंद्रह मिनट लगेगा दस पंद्रह मिनट लगेगा तो सबसे पहले बात किसकी करें एन डी वन मतलब सर मतलब एन डी वन डी वन डी वन डी वन वन पॉइंट वन टू वन टू इसको ढूंढना है जेट टेबल अब तो यहां कॉन्सेप्ट की बात आती है कि सर जैट टेबल में एरिया होता है याद करो हमें कौन सा वाला एरिया ढूंढना है अब काम की चीज है ये देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको पर इसके बिना आपको समझ में भी नहीं आएगा ऐसा एरिया होता ये होता बीच का जिसको हम क्या बोलते हैं जीरो तो हमें सर टेल एरिया ढूंढना है ये तो निकाल लिया हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा भी पर अभी एरिया कभी भी इसमें आपको क्यूमिलेटिव एरिया ढूंढना पड़ेगा क्यूमिलेटिव एरिया मतलब ये वाला इधर का एरिया ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा सर हमेशा यस क्योंकि हम निकालना ही चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है स्टॉक प्राइस ज्यादा होने की हमें क्यूमेलेटिव एरिया कसम खा लो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा हमें कभी भी क्यूमिलिटिव एरिया ही ढूंढना है क्यूमेलेटिव एरिया एरिया ढूंढा वन पॉइंट वन टू वन टू वन पॉइंट वन टू वन टू अब अब सर तो इसको क्या हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं क्या ये Nd1 वन निकाल ही नहीं सकते इसके लिए भाई कैलकुलेटर काम नहीं होगा या तो आपको वैल्यू दिया हो क्वेश्चन में या तो आपको टेबल ही यूज करना पड़ेगा उसके अलावा हो ही नहीं सकता अब टेबल कितने टाइप की होती है टेबल दो टाइप की हो सकती है या तो एक क्यूमुलेटिव टेबल दे तो लॉटरी बल लग गई फिर तो उठाकर लिख देना या तो ऐसी टेबल होगा जिसमें टेल एरिया दिया होगा ये वाला एरिया दिया होगा तो फिर हमको वन से माइनस करके इधर का एरिया देखना पड़ेगा ये मैं आपको समझाया हूं बेसिक में इट मीनस टेबल कितनी हो सकती है टेबल एक ये हो सकती है जहां शुरुआत ही पॉइंट फाइव से ऊपर से हो रही मतलब जहां की शुरुआत पॉइंट फाइव से ज्यादा से हो रही तो सब समझ रहे हो अगर 0.5 से ज्यादा से शुरुआत है मतलब सर वो तो क्यूमिलिटी टेबल हो गई यस क्योंकि यहां तक तो 0.5 है और इसके ज्यादा आ रहा है मतलब वो क्यूमिलिटी टेबल हो गई दूसरा टेबल कौन सा हो सकता है दूसरा टेबल हो सकता है टेल वन टेल सर वन टेल मतलब लेफ्ट और राइट जहां 0.5 से ज्यादा नहीं शुरुआत पॉइंट से कम से होगा पॉइंट फाइव वैल्यू और इससे कम ही आएगा वैल्यू मतलब वो टेल टेबल हो गया। और दिया भी रहेगा लिखा रहेगा एरिया टू द लेफ्ट और राइट ठीक अगर सर टेबल हमे, हमेशा हमें देगा कौन सा ये बता दो टेबल दिया रहेगा ये वाला टेबल दिया रहेगा या फिर हमें टेल एरिया दिया रहेगा जनरली 99% क्वेश्चन में आपको टेल एरिया दिया रहेगा टेल एरिया दिया रहेगा का मतलब क्या है सर मतलब आपको इधर का एरिया दिया रहेगा तो क्या हमें इसका वैल्यू निकाल के ये वाला एरिया वन में से माइनस करना पड़ेगा तो इधर का एरिया जाएगा सर समझाओ, सर समझाओ समझाओ समझाता मैं कौन सा का वैल्यू उठाऊंगा मैं टेल एरिया का वैल्यू उठा रहा हूँ ठीक है क्या देखना वन पॉइंट वन टू वन टू आ जाते ये वाला टेबल मैं नहीं ले रहा हूं मैं टेल एरिया ले रहा हूं जो जनरली दिया रहता है तो ठीक है सर टेली वन पॉइंट मुझे ढूंढना क्या है सर मुझे ढूंढना है वन पॉइंट वन टू वन टू ढूंढते वन पॉइंट इधर तो नहीं दिया है इधर दिया वन पॉइंट वन टू वन टू तो ऐसी वैल्यू दिया नहीं रहेगा इंटरपोलेशन करना पड़ेगा ये कैसे होगा एक तो दिया वन पॉइंट वन जीरो और एक दिया वन पॉइंट वन फाइव 1.10 और 1.15 इन दोनों के बीच में ही मिलेगा 1.1212 चेक करो 1.10 पर क्या दिया है वैल्यू टेल एरिया सर 1.10 पर दिया है .03570 1.10 पे दिया है पक्का ना यार ये 3570 कैसे हो सकता है ये तो मिस प्रिंट है कहीं क्यों क्योंकि ये धीरे-धीरे कम हो रहा ना सर ये 1570 होगा यस मिस प्रिंट है 1570 ठीक है और कोई ऑप्शन नहीं 1570 ले लिया मैं 125111 वन फाइव सेवन जीरो भी नहीं होगा कहीं, कहीं मिसप्रिंट तो इसको देखना पड़ेगा वान वान जीरो पे सेकंड से से बड़ी गलती कैसे कर सकते ये गलत है मिसप्रिंट है ये है जीरो पॉइंट वन थ्री फाइव ठीक ठीक कर लिया उसको पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन ये कहां से लाया उसको छोड़ो ना यार ये दिया रहेगा वैल्यू यहां स्प्रिंट था उसको मैंने ठीक कर लिया वन थ्री फाइव सेवन ठीक तो पॉइंट वन पॉइंट वन जीरो पे क्या वैल्यू दिया पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन और इसके बाद कौन सी वैल्यू दिया है जरा देखना वन पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन टू फाइव वन पॉइंट वन टू फाइव वन ठीक है ये काम के ये आता है एग्जाम में ये आता है और सर इसका मतलब ना तो हमें 1.10 चाहिए ना तो हमें 1.15 चाहिए हमें कौन सा वैल्यू चाहिए हमें चाहिए 1.1212 का वैल्यू चाहिए 1.1212 का वैल्यू चाहिए अभी ऐसा है कि जैसे ही हम 1.10 से 1.15 पे पहुंचते हैं मतलब जैसे ही हम वैल्यू बढ़ाते हैं जैसे ही हम d1 बढ़ाते हैं कितने से d1 बढ़ाते हैं डी से बढ़ाया d1 बढ़ाया तो ये वैल्यू कम हो गई पॉइंट 57 से माइनस पॉइंट वन टू फाइव वन मतलब सर ये वैल्यू हो गई जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो सिक्स हो गई पर हमें जो वैल्यू है वो इतना थोड़ी न बढ़ाना है हमें तो वैल्यू थोड़ा सा ही बढ़ाना है मतलब 1 -1 हमें तो वैल्यू जीरो पॉइंट टू वन टू से बढ़ाना है जीरो पॉइंट जीरो टू वन टू से ठीक है ठीक है तो नो no डाउट अगर मैं कहूं अब एनडी वन कैसे निकाल रहा हूं सुनना ध्यान से डी वन अभी एनडी वन तो नहीं निकलेगा इंटरपोलेशन बता रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े सर ये वैल्यू तो आएगी आएगी पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन तो आएगी आएगी कोई शक की बात नहीं ये वैल्यू आएगी और इससे कमी आएगी इससे कमी तो लाना ये, कम ही कमी तो हो रही अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं यूनिट्री मेथड आता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव पर इतना चेंज होता है तो 0.0212 पे कितना चेंज होगा यूनिटरी मेथड देखो 0.05 पर चेंज होता है 0.0106 0.0 पे ये चेंज होता है तो 0.0212 पे कितना सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा अगर मैं लॉजिक की बात करूं मैं लॉजिक की बात ही नहीं करूं अब मैं अब ध्यान से समझ समझना मैं फॉर्मूला कैसे सेट करूं माइनस माइनस क्यों किया बताओ माइनस क्यों किया माइनस क्यों किया क्योंकि सर ये माइनस ही तो हो रहा है ना वैल्यू देखो ना पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन से वन टू फाइव वन माइनस ही तो हो रहा है यस yes, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं माइनस क्योंकि वैल्यू इससे कम आने वाली है माइनस अब सुनो अब मुझे तीन चीजें लिखना एक ये लिखना है एक ये लिखना है और एक ये लिखना है बस ये तीन चीजें लिखना है कौन सा ऊपर नीचे होगा कौन सा मल्टीप्लाई होगा बस मुझे मालूम है पॉइंट जीरो वन थ्री फाइव इस रो में जो वैल्यू आ रही दिख रहा है आपको हाँ वो क्या है ये लिखना इसको कभी भी मैं यहां लिखूंगा डिवाइडेड ठीक क्योंकि ये वैल्यू है पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन तो ये वैल्यू इसी से रिलेटेड है और ये किसके बदले में चेंज हो रहा था पॉइंट जीरो फाइव के लिए इन टू डिफरेंस पॉइंट जीरो टू वन टू के लिए कितना बाकी फॉर्मूला आपके पास है आप फॉर्मूला हायर वैल्यू आई आर आर किया हुआ है सी एंटर में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह से काम होगा ठीक है सर तो कितना आ गया पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन पहले ये वाला सुनो पॉइंट जीरो वन जीरो सिक्स डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो टू वन टू माइनस पॉइंट वन थ्री फाइव सेवन तो सर ये आ गया जीरो पॉइंट वन थ्री वन टू वन थ्री पर ये किस तरफ का आया ये जो आया ये तो यहां का है ना वैल्यू कितना जीरो पॉइंट वन थ्री वन टू क्योंकि आप कौन सा वाला एरिया का वैल्यू देखे हो सर हमने टेल एरिया का देखा है मतलब सर हमने इधर का एरिया का देखा मुझे इधर का चाहिए नहीं कभी भी बी में हमें इस एरिया का वैल्यू चाहिए क्या करेंगे इसको सर वन में से माइनस करेंगे यस तो अगर मैं कहूं अब एन डी वन इज इक्वल टू वन माइनस पॉइंट वन थ्री वन टू वन माइनस पॉइंट वन थ्री वन टू तो आंसर आ गया जीरो दिस इज एंटी वन ठीक है ठीक है? है सर सर अगर एरिया क्यूमलेटिव एरिया ही दिया होता तो, तो फिर मुझे वन से माइनस नहीं करना पड़ता सीधा जाता एट सिक्स सीधा वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट वन टू यही कहीं का वैल्यू आता इंटरपोलेट कर लेते ये वाला वैल्यू उठाकर सीधा कर देता अगर कौन सा एरिया दिया रहता तो अगर सर क्यूमलेटिव एरिया दिया रहता तो ठीक है ठीक है सर बात समझ यहां तक बात समझ में आ गई है ठीक है सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुश्किल लगेगा यार देखो सी फाइनल में तो ये चीजें होनी है अब आपका इंस्टीट्यूट ने तो हद कर दिया हद क्या कर दिया सुनो उसने ये भी बताया आपको क्या बताया सुनना ध्यान से सुनना उसने कहा अगर टेल एरिया दिया है टेल एरिया जैसे दिया था है। और कितना दिया था इधर का जीरो पॉइंट वन थ्री वन टू इधर का दिया हमें तो ये वाला एरिया चाहिए ना तो हम वन में से माइनस कर देंगे अब इंस्टीट्यूट कहता मान लो दोनों तरफ का टेल एरिया दे दिया मतलब इधर का भी कितना हो जाएगा वन थ्री वन टू दोनों तरफ का बराबर होता है और दोनों को जोड़ लो पॉइंट वन थ्री वन टू प्लस पॉइंट वन थ्री वन टू तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया पॉइंट वन थ्री वन टू पॉइंट वन थ्री वन टू इंटू टू तो बोले पॉइंट टू सिक्स टू फोर दे दिया बोले पॉइंट टू सिक्स टू फोर दिया और बता दिया कि ये जो एरिया है ना ये दोनों तरफ के टेल का जोड़कर एरिया एरिया बोले ऐसा दे दिया तो आप क्या कैसे निकालोगे पॉइंट एट सिक्स एट बेकूफी वाली बात है ऐसा क्यों दे रहे हो आप एक क्वेश्चन में उसने बोला है स्टडी मेट के सॉल्यूशन में आपको बता दूंगा कभी कि उसने बोला अगर ऐसे दे दिया तो ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे दोनों का टेल एरिया दोनों साइट का टेल एरिया जोड़ के डिवाइडेड बाई टू मारेंगे इधर का एरिया आ जाएगा पर मुझे ये थोड़ी नहीं चाहिए मुझे तो क्यूमिटी चाहिए फिर वन माइनस कर देंगे अगर ऐसा दिया तो ऐसा देगा नहीं यार ठीक है सर खत्म करो इसको ओके ठीक है ठीक है ये क्या निकाला एन डी वन ऐसे ही भगवान का नाम लो लिया सर और अब निकाल लो सर एन डी टू इसी में निकाले क्या इसी में निकालते हैं एन डी टू मतलब सर हमें निकालना है एन पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन पॉइंट नाइन जीरो नाइन ठीक है सर जनरली 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 कौन सी टेबल दिया रहेगा वन टेल तो हम वही देखें तो फिर से इंटरपोलेट करने की जरूरत होगी नाइन जीरो वाला ये वाला नहीं देख रहा है। ये टेबल ये टेबल सर हटा दोगे क्या इस टेबल को मैं हटा देता पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो दिख रहा यह है पॉइंट नाइन जीरो और यह है पॉइंट नाइन फाइव हमें क्या चाहिए नाइन जीरो कुछ था शायद पहले नाइन जीरो का वैल्यू दिख रहा वन एट फोर वन वन एट फोर वन पॉइंट नाइन जीरो पे आ रहा है पॉइंट वन एट फोर वन और पॉइंट नाइन फाइव पर आ रहा है वन 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 सेवन वन वन ठीक और हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, चाहिए पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन तो जैसे ही हमने वैल्यू बढ़ाया पॉइंट जीरो फाइव से तो ये नेगेटिव हो गया ये कम आ गया कितना आ गया .पॉइंट वन एट फोर वन माइनस पॉइंट वन सेवन वन वन तो सर ये हो गया पॉइंट जीरो वन थ्री पर हमें इतना कम नहीं करना है पॉइंट नाइन जीरो माइनस पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन हमें कम करना है पॉइंट जीरो जीरो नाइन वन ठीक है तो सर पॉइंट वन एट फोर वन आएगा ही आएगा आपने बताया था अब इससे इसको देखो क्या ये माइनस हो रहा है तो हम माइनस का साइन लगा देते अगर ये सर प्लस होता तो प्लस का साइन लगा देते ठीक है सर अब क्या करना है सर अब मैं ये वाला पॉइंट जीरो वन थ्री क्योंकि ये वाला वैल्यू इस रूम में है तो ये वाला ऊपर आना चाहिए डिवाइडेड बाय तो पॉइंट जीरो फाइव इन टू पॉइंट डबल जीरो नाइन वन हालांकि ये यूनिटरी मेथड है आप भी जानते निकाल लो 0.013 जीरो वन थ्री डिवाइडेड पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट डबल जीरो नाइन वन माइनस पॉइंट वन एट फोर वन तो सर ये आ गया जीरो पॉइंट इसको हमने क्या नाम दिया इसको दिया एनडी टू पॉइंट एट सिक्स अब हमारा काम हो जाएगा क्या एनडी वन निकल गया है यस सर कितना निकला है एनडी वन एनडी वन निकला सर पॉइंट एट सिक्स एट एट पॉइंट एट सिक्स एट एट माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना है वन फिफ्टी ई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है छ पॉइंट जीरो सिक्स इंटू पॉइंट जीरो सिक्स एक साल का है तो दो साल का इंटू टू करना पड़ेगा into. एनडी टू भी निकाला है कि यस एनडी टू वन एट वन सेवन पॉइंट वन एट वन सेवन चलो इसको सॉल्व करते हैं एक सौ पैंसठ इंटू पॉइंट एट सिक्स एट एट तो सर ये आ गया वन फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री फाइव माइनस सौ पचास इंटू 0.12 टूंटी थ्री फाइव माइनस एक सौ पचास का कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग फैक्टर पॉइंट वन टू डिड बाई फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह 1.1275 पॉइंट वन टू वन सीधा निकाल लू थ्री जीरो इन टू पॉइंट वन एट वन सेवन माइनस वन फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री फाइव आंसर आ गया वन वन नाइन पॉइंट वन एट ठीक है बाप बाप ये क्या निकला सर ये निकला वैल्यू ऑफ कॉल सर वैल्यू ऑफ पुट में भी इतना टाइम लगेगा नहीं लगेगा वैल्यू पुट अब आसान हो जाएगा क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकाल लिया ना ठीक तो है सर देखते हैं वैल्यू ऑफ पुट आप कैसे निकाल रहे आप सुनो वैल्यू ऑफ पुट मतलब पी जीरो फॉर्मूला क्या रहेगा एक्सरसाइज प्राइस पहले रहेगा एक्सरसाइज स्टॉक प्राइस कम होना चाहिए ना ई एन यहां जाएगा माइनस डी टू और यहां एस जीरो इन एन यहां जाएगा माइनस डी वन सर माइनस का मतलब क्या है माइनस का मतलब सीधी बात है टेल एरिया अगर मैं कहूं सर अगर मैं कहूं पुट ऑप्शन की बात तो वो टेल एरिया ही देख रहा माइनस मतलब इधर आता ना ये जीरो होता है ये माइनस होता है ये माइनस इधर का टेल एरिया ही देखना है और टेल एरिया तो टेबल में दिया ही रहता तो टेबल ही उठाकर लिख रहा हूँ वन से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर फिर भी समझाओ समझा देता हूँ तो दोनों ध्यान से मैं सीधा सीधा उठा रहा हूँ ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा एक सौ पचास डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं 150 डिवाइडेड बाय 1.1275 पॉइंट टू सेवन एन टू अब सुनना एन माइनस डी टू क्या होगा सुनो गया ध्यान दे, ध्यान देना बस एन माइनस डी टू ये डी टू इधर है अच्छा ये गलत लिखा ये तो वन से माइनस करना था ना ये गलती हुई है कॉल ऑप्शन में सुनो सुनो ये एन डी टू नहीं निकला था ये तो एन डी टू कैसे निकलेगा इसको वन से माइनस करना पड़ेगा जीरो पॉइंट वन एट, वन वन। वन एट, वन वन। तो एट वन एट थ्री कॉल ऑप्शन में हमने वन से माइनस करना भूल गए। हमने टेबल ही उठाकर लिख दिया था और यहां भी हम ठीक है ठीक है बस यहां जो गलती हुई थी उस गलती को ठीक कर रहा हूं मैं यहां पॉइंट वन पॉइंट एट वन एट थ्री से मल्टीप्लाई होगा पॉइंट एट वन एट थ्री पॉइंट एट वन एट थ्री तो सर आंसर क्या चेंज हो जाएगा यस yes. आंसर क्या आएगा 150 डिवाइडेड बाय 1.1275 पॉइंट वन जो भी आया माइनस वन आंसर ये आ रहा है एक्चुअल में कॉल ऑप्शन का 34.48 गलती क्या हुई थी मालूम है हमने टेबल वैल्यू ले लिया था जबकि वन से माइनस करना था यहां तक हो गया है अब मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पुट ऑप्शन का वैल्यू निकालना है तो मैं पुट ऑप्शन का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा था पुट ऑप्शन का वैल्यू जब एन माइनस डी टू लेना है ना भाई तो बात समझने की कोशिश कर रहा है ये कौन सा एरिया टेल एरिया मुझे टेल एरिया ही लेना है उठाकर टेल एरिया ही उठाकर लेना है तो सर उठाकर सीधा पॉइंट वन एट वन सेवन ले सकते हैं कि यस मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा पॉइंट वन एट वन सेवन एस जीरो कितना एस जीरो है एस जीरो एक सौ पैंसठ वन सिक्स अब यहां क्या करना सुनना था यहां ये वाला वैल्यू नहीं है मुझे टेल एरिया चाहिए पॉइंट वन थ्री वन टू पॉइंट वन थ्री वन ये होता है सौ पचास डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव इन टू पॉइंट वन एट वन सेवन माइनस का साइन है यार तो सर ये आ गया ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सेवन माइनस वन सिक्सटी फाइव इन टू पॉइंट वन थ्री वन टू ये आ गया ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव ले लो ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सेवन माइनस ट्वेंटी आ गया टू पॉइंट फाइव टू दिस वैल्यू ऑफ पुट ठीक है वैल्यू ऑफ पुट का आता नहीं है अगर वैल्यू ऑफ पुट आए तो हमको टेल एरिया लेना लेकिन अगर वैल्यू ऑफ कॉल आए तो हमें क्यूमिलेटिव एरिया लेना यहां तक ठीक है एग्जाम में क्या हुआ सर खत्म करो ना सर खत्म कीजिए खत्म कर रहा हूं दो घंटा हो गया पर खत्म करना जरूरी है अब खत्म बस एक पांच मिनट की बात सुनो एग्जाम में क्या होता एग्जाम में वैल्यू ऑफ कॉल एस पर बी बोलेगा और वैल्यू ऑफ पुट बोलेगा तो वैल्यू ऑफ पुट जरूरी नहीं कि आप बीएसएम से निकालो वैल्यू ऑफ कॉल आप बीएसएम से निकालो और ऐसे भी कर सकते वैल्यू ऑफ पुट एस पर पुट कॉल पैरिटी पैरिटी थ्योरम याद है यस सर एस जीरो प्लस पी जीरो इज इक्वल टू सी जीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इट मींस क्या बीएसएम से जो कॉल आया है उसको यहां लगा सकते yes. कितना था सर एक सौ पैसठ पी जीरो निकाल लेते हैं पी जीरो निकाला था आपने कितना आया था सी जीरो सी जीरो आया था थर्टी फोर पॉइंट फोर एट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज मतलब 150 पचास डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव इसको सॉल्व करते हैं 150 सौ पचास डिवाइड वन पॉइंट सर पीरियड दो साल था क्या और yes, आपने एक साल बनाकर कर दिया क्वेश्चन नहीं थी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैंने तो छह परसेंट है ना भाई बच गया एक सौ पचास डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव ठीक है प्लस थर्टी फोर पॉइंट फोर एट माइनस वन सिक्सटी फाइव आंसर टू पॉइंट फाइव टू आप भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा आए ना आपको पर आए ना तो टेंशन मत लेना प्लीज प्लीज इसी से आप बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा कर पाओगे एग्जाम ठीक तो वैल्यू पुट क्वेश्चन को टाइम क्यों लगा क्योंकि मैं समझा रहा था वैल्यू ऑफ पुट आता है बी एस ए माया वैल्यू ऑफ कॉल पूछा निकाल लिया फिर बोला वैल्यू ऑफ पुट तो ये मत लगाओ सीधा सीधा वैल्यू ऑफ पुट ऐसे भी कर सकते हो ठीक है इसका रिवीजन करोगे ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद और क्लास करते हैं आगे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं बीएसएम के प्लीज अच्छे से करना ठीक है ब्रेक है जी